प्रोड्यूसेस दी सेकेंडरी वेवलेट्स, प्रोड्यूसेस दी सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स secondary wavelets will strike at point C, will strike at point C on the xy plane, on the xy plane in time t, in time t. Then BC is equal to CT. Then BC is equal to CT. लिखे सबने? Yes, I repeat. Sir. According to the Huygens principle, point B produces the secondary wavelets will strike at point C on the xy plane in time t. Then the BC which is equal to CT. लिखे सबने? Yes, sir. अब तीसरा point ध्यान से सुनो, पहले समझ लो फिर उसके बाद लिखना. अब guys, at the same point, अगर B सेकेंडरी वेवलेट जनरेट कर रहा है तो पॉइंट ए भी तो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा, यस और नो? यस सर. तो मतलब थर्ड पॉइंट में ऐसे लिखना है, मतलब पहले सुन लो, एट द सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ए विल बी रिफ्लेक्टेड एंड ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन अ सेम मीडियम. सुना आप लोगों ने? मतलब सेम टाइम पे जो पॉइंट ए है वो भी सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करेगा and it is travel the same distance from point O in a same medium. Okay. अब ये जो secondary wave front है, उस secondary wave front का shape जानने के लिए we'll draw the one sphere. समझ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर क्या draw करने वाले हैं? Sphere draw करने वाले हैं. Oh no. एक second guys, मैं गलती से rub कर दे रहा हूँ. ठीक है, अब यहां पे पहले हम लोग एक स्पीयर बना लेते हैं जिससे कि हम लोगों को सेकेंडरी वेव फ्रंट पता चले. ठीक है, हियर विल ड्रॉ द वन सेकेंडरी वेव फ्रंट. किस फॉर्मेट में बना दिया मैंने? एक स्पीयर के फॉर्मेट में बना दिया. अब यहां पर भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सो विल ड्रॉ द सेम डिस्टेंस ओवर हियर. अब ये जो डिस्टेंस है गाइस, इस डिस्टेंस को भी हम लोग सीटी ही बोलेंगे. क्या बोलने वाले हैं? सीटी. इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पर एक पॉइंट बना देते हैं जिसको हम लोग पॉइंट दे देते हैं ई. तो जो ए ई है उसका भी जो डिस्टेंस है वो सेम होगा सीटी, यस और नो ऑल? बिकॉज जितना पॉइंट बी से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना ही पॉइंट ए से भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यस और नो ऑल? यस सर. सर ए ई और एक बार बताओ ना सर. देखो, B से सेकेंडरी वेवलेट ट्रैवल किया कहां से? B से C तक. तो A से भी सेकेंडरी वेव ट्रैवल करेगा कहां से कहां तक? A से लेके E तक. सुने सर, वो ऊपर के डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? दैट इज अ रिफ्लेक्शन ना. यस सर. रिफ्लेक्टिंग वेव विच शुड बी ट्रैवल इन अ सेम मीडियम, तो ऊपर ही जाएगा ना. रिफ्रैक्शन होता तो नीचे आता. सुने? यस सर. अब देखो, सेम यहीं से एक टेंजेंट लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे. क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट सी टू ई. सी से लेके ई तक विल ड्रॉ द वन टेंजेंट लाइन. एक टेंजेंट लाइन हम लोगों ने क्या किया है? ड्रॉ कर दिया है. इज दैट क्लियर ऑल? यस सर. अब ये जो सी ई है इसको हम लोग प्लेन रिफ्लेक्टिंग वेव कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. जो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बना था तो हम लोगों ने सेकेंडरी वेव फ्रंट को बना दिया सी से लेके ई. अब यही पॉइंट वाइज लिखो जरा. थर्ड पॉइंट लिखो सब लोग. एट द सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट्स, एट द सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ए विल रिफ्लेक्टेड and travel the same distance CT
travel the same at this same time secondary wavelets from A will reflect and travel the same distance CT travel the same distance CT in the same medium ये थर्ड पॉइंट समझे सब लोग कि अगर बी से जनरेट हो रहा है सेकेंडरी वेवलेट तो ए से भी जनरेट हो रहा है दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इज दैट क्लियर ऑल यस सर फोर्थ पॉइंट लिखो टू डिटरमाइन द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव टू डिटरमाइन द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट टू डिटरमाइन द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट From point A, draw the sphere of radius CT, from point A. Radius दिख रहा है ना? ए से लेके ई तक कैसा बिहेव कर रहा है रेडियस सीटी मैं वापस फोर्थ पॉइंट रिपीट कर रहा हूं डिटरमाइन द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ द स्पीयर ऑफ रेडियस ऑफ सीटी फ्रॉम पॉइंट ए अंकुश लिखे Yes, sir. समझ में आया फोर्थ पॉइंट समझ में आया मतलब वेव फ्रंट का शेप जानने के लिए हम लोगों ने क्या बना दिया एक स्पीयर बना दिया स्पीयर समझ रहे हो एक स्पीयर बना दिया हम लोगों ने और उस स्पीयर का रेडियस क्या है सीटी सीटी ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको yes, sir. Sir, radius CT from point A to E ऐसे लिख सकते हैं क्या हाँ आप अपने समझने के लिए लिख के रख सकते हो ओके Now write down the fifth point. Now draw the tangent plane from C. Now draw the tangent plane from C to the sphere. Now draw the tangent plane from C to the sphere. दिख रहा है ना tangent? ये जो EC है वो tangent है ठीक है Let's call this point is E. हम लोगों ने इस पॉइंट को क्या बोला है E. Is that clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Next point लिखो The plane CE represents the plane CE represents the plane CE represents the plane reflected wave front. Plane reflected wave front. उसके पहले कुछ angles में मैं यहां पे बना देता हूं जैसे एक angle यहां पे बन जाएगा एक angle यहां पे बन जाएगा ठीक है कंटिन्यू करो जो लास्ट पॉइंट आप लोगों ने लिखा था प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लिखे यस सर ओके अब नेक्स्ट लाइन में लिखना दैट एंगल ई सी ए दिख रहा है एंगल ई सी ए एंगल ई सी ए दिख रहा है ये इस तरीके से है ना यहां पे ई सी ए एंगल दिख रहा है दैट एंगल लिखा था हमने एंगल ई सी ए इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये रिफ्लेक्शन एंगल है आर रिफ्लेक्ट हुआ है ना सी से ये क्या हुआ है सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है यस और नो ऑल यस
सो दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ई सी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख लो सब लोग, एंगल ई सी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखा सबने। अब गाइस जरा ध्यान से देखना, ट्राइंगल ए बी सी, एक सेकेंड, नॉट ए बी सी सॉरी, दैट ट्राइंगल ई सी ए, दिख रहा है सबको ट्राइंगल ई सी ए? यस सर। एंड ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी सी, बी ए सी, दे बोथ आर अ 90 डिग्री एंगल, दे बोथ आर अ 90 डिग्री एंगल, लिख लो, ट्राइंगल ई सी ए एंड ट्राइंगल बी ए सी, दे बोथ आर अ 90 डिग्री एंगल, लिखा सबने, दे बोथ आर अ 90 डिग्री एंगल। लिखा सबने, दे बोथ आर अ 90 डिग्री एंगल। यस सर। अब ये वाला मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों को वापस। देखो यहां पे इस तरीके से ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ए है, ये ई है, ये बी है और ये सी है, दिख रहा है? तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आप लोग को? एसी कॉमन है सर। एसी कॉमन होगा दोनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन होने वाला है? एसी, एसी, ये इस तरीके से, एक सेकेंड है, मैं इसको थोड़ा डार्क लाइन में बना देता हूँ, ये इस तरीके से। तो अगर हम लोग बी ए सी लेंगे तो ए सी कॉमन है, और अगर हम लोग ई ए सी लेंगे ट्राइंगल में तो भी ए सी कॉमन हो रहा है, दिख रहा है सबको? ए सी दोनों जगह पे क्या है? कॉमन है। तो नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, एक सेकेंड, हाँ, ए सी कॉमन लिखने के पहले ए ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी टी, यस और नो? बिकॉज दे बोथ आर हैविंग द सेम डिस्टेंस एंड दैट ए सी इज इक्वल टू कॉमन, ए सी इज कॉमन साइड, यस और नो? ए सी कॉमन साइड, ठीक है सबने? इनडायरेक्टली गाइस यहां पर जो दोनों एंगल्स हम लोगों ने निकाले हुए हैं, दैट ट्राइंगल ई ए सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, दे बोथ आर अ कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल करके कॉन्ग्रुएंट लिख लो, सी ओ एन जी यू आर ई एन टी, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल, यहां पे गाइस ई ए सी, हाँ, लिखा कॉन्ग्रुएंट लिखे? यस सर। अब अगर गाइस दोनों एंगल सेम ही हैं तो एक इंसिडेंट एंगल है और एक रिफ्लेक्टेड एंगल है, इंसिडेंट एंगल कौन सा है? ई ए सी, ई ए सी इंसिडेंट एंगल है, यस और नो? यस सर। तो इंसिडेंट एंगल ई ए सी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा था? बी सी ए सी, बी सी ए, आइदर वी कैन से बी ए सी, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो गए ना, यस और नो? नहीं समझा सर। सर आपने ई सी ए बताया था रिफ्लेक्टेड एंगल, ई सी ए रिफ्लेक्टेड एंगल बताया था सर, बी ए सी का भी पॉइंट देखो रिफ्लेक्टेड का ही है, ये वाला पॉइंट सर, वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना सर। हाँ सर।
तुम लोग डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाए, मैं एक बार वापस एक दूसरा डायग्राम, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो फटाफट पहले। डायग्राम बनाया सबने फटाफट? एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं छोटा सा साइड में बना दूंगा। ये लिखना नहीं है ऊपर, डन ऑल। अच्छा ये लिख के हुआ है आप लोगों का, लिख के हुआ है? यस सर, यस सर, डायग्राम भी बना लिया सर। ओके, कॉन्ग्रुएंट तक सब लोगों ने लिखा है ना? यस सर, यस सर। ओके, यहाँ पर एसी कॉमन लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी ए सी हम लोगों ने बना दिया, ठीक है? तो ये वाला ऊपर वाला जो एंगल था वो खाली 90 डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए था। एंगल ये है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी नॉट दिस, दिस वन इंसिडेंट एंगल। सो हियर वी गेट द बी, यस और नो? यस सर। तो ए बी सी एंगल है आपके लोगों के पास, सो दैट इज द इंसिडेंट एंगल, यस और नो? दूसरा एंगल कौन सा दिया है? सर एंगल ईसी होगा ना सर? देखो एंगल ईएसी का जो कंसेप्ट है वो इस फॉर्मेट में है सर, ईएसी होगा या ईसी ए भी लिख सकते हो, ईसी ए भी लिख सकते हो, ईएसी भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक 90 डिग्री एंगल लिया है तो जिससे हम लोग ईएसी भी रोटेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो जाएगा दैट इज आवर रिफ्लेक्टेड एंगल। ये कहीं साइड में बना के रखो, जब आप लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, मतलब इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दे बोथ आर इक्वल टू वन अनदर, जिसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नीचे लिख लेना, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जितना शॉर्ट कर सकता था गाइस मैंने उतना शॉर्टकट किया हुआ है ये, मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और आपके दिमाग से भी नहीं निकलेगा। Is that clear all? Point समझ में आए सारे? Yes sir, समझा sir. I hope ये सारे points याद रखने में ज्यादा difficulties नहीं होगी, क्योंकि इतने difficult points मैंने इसके अंदर use नहीं किए हैं। Yes or no? आपके textbook और notes से काफी ज्यादा simple कर दिया है इसे। Like, उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इन्हीं के अंदर सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। महालक्ष्मी, खुशी, अंकुश, अभिषेक, देविका, संजय, पॉइंट्स? यस गाइस, ये नोट्स जो मैंने अभी आज दिया है, अगर ये नोट्स आप लोगों के पास नहीं रहा ना तो आपको इनडायरेक्टली अपने नोट्स या फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको भारी पड़ जाएगा, तो एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। Is that clear all? आगे बढ़े? Yes, sir. तो ये तो किसके लिए था? रिफ्लेक्शन के लिए था, समझे? अब रिफ्रैक्शन के लिए होगा। नेक्स्ट डेरिवेशन किसके लिए होगा? रिफ्रैक्शन के लिए। सर, मेरे पास भी जो है उसमें रिफ्रैक्शन डिलीटेड ही दिया है। रिफ्रैक्शन डिलीटेड दिया? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन।
एक सेकेंड गाइस, आई विल चेक, वेट। हाँ 7.6 सर, 7.6 निगलेक्टेड है। वेट आई विल चेक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। ओके, रिफ्रैक्शन निगलेक्टेड है, मतलब रिफ्लेक्शन ही है खाली। फिर अब तो इजी हो गया ना, फिर तो सर बहुत इजी हो गया फिर तो, मतलब ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, तो चांसेस हैं हाँ इस बार रिफ्लेक्शन के। यस सर, एक सेकंड जरा मैं टेक्स्ट बुक देख लूं। हाँ सर, वो इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टेड एंगल में ईसीए इज इक्वल टू बीएसी लिखा है, तो ट्रायंगल में भी नेमिंग चेंज करना पड़ेगा। ईसीए कुछ कुछ ऐसा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं उससे। 7.6 ना? यस सर, एक सेकेंड गाइस, कुछ तो अलग है। 7.5 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, टेक्सटबुक में आप लोगों के हैं, ठीक है। स्नेल्स के दोनों लॉज हैं गाइस, डिपेंडेंट वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। 7.6 में एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये भी निगलेक्टेड है। देखो जरा निगलेक्टेड पॉइंट, देखो जरा रिफ्रैक्टिव, एक तो ये रिफ्रैक्शन का है। 7.6 के आगे देखो पेज नंबर क्या लिखा है सर, डिलीटेड में 7.6 है और 164 भी neglected है। Polarization? हाँ सर, वो भी reduced है। सर, वो भी neglected है। वो भी neglected है ना? Yes sir, और एक और है 7.10 सर, resolving power। resolving power। वो resolving power तो last में है, वो चलेगा। Refraction of light, plane boundary between two media, ठीक है, neglected ही है। नहीं मुझे हजम नहीं हो रहा है ये बात, ये निगलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि गाइस ये नीट और सीईटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, निगलेक्ट है तो मतलब मत पढ़ो आप लोग सर, बाद में तो वैसे भी पढ़ेंगे। ओके, बाद में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो इन्होंने निगलेक्ट कर दिया है। आई डोंट नो कि क्या पॉइंट है उन लोगों के, और पोलराइजेशन भी निगलेक्ट नहीं करने लायक है, क्योंकि ये नीट से तो नहीं स्किप हो सकता, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में इन्हीं का तो पोटेंशियल है। पोलराइजेशन 164 का ही खाली ना, लेकिन पोलराइजेशन से जो पॉइंट स्टार्ट होते हैं वो आप लोगों का 7.7 164 से। टेक्स्ट बुक है आप लोगों के सामने? यस सर। टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 164 पे पोलराइजेशन लिखा हुआ है, वहां से लेकर फिर पोलराइजेशन का पॉइंट जाता है till the page number 166. Yes, sir. Page number 166 तक पूरा polarization का ही concept है। ये पूरा ही फिर neglect हो जाएगा। Sir, 167 में भी 7.7.1 है। फिर उसके बाद भी है sir, 7.2 polarization of scattering, ये भी neglected ही होगा फिर। Guys, एक काम करेंगे, सुनो, हम लोग Brewster law कर लेंगे हाँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि उन्होंने पेज नंबर 160 कितना रखा है, 4 ही रखा है ना? यस सर। लेकिन पूरा पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने खत्म किया है, तो मैं पोलराइजेशन का थोड़ा सा ऊपर से आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए, ठीक है। और ब्रिवेस्टर लॉ, ये दो पॉइंट कर लेंगे अपन सर। आप एक बार कंफर्म कर लेना सर प्लीज, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये सारा तो नहीं होना चाहिए, टॉपिक है सर इसमें पोलराइजेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चले गए, और एक्चुअली है तो वही, क्योंकि निगलेक्टेड पार्ट में वो दिया ही हुआ है, पोलराइजेशन निगलेक्ट है, मतलब उससे रिलेटेड सारी चीजें निगलेक्ट है, एक डेफिनेशन थोड़ी ना निगलेक्ट करेगा, समझ रहे हो? यस सर, वही। तो एक काम करेंगे हम लोग, पोलराइजेशन कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर का,
सिंपल सिंपल है, पोलराइजेशन कर लेंगे कुछ डेफिनेशंस, और ये ब्रिवेस्टर लॉ में करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? थोड़ा सा मैं अगले लेक्चर तक इसको कंफर्म करता हूं, और वैसे तो निग्लेक्टेड ही है वो, ओवरऑल निग्लेक्टेड ही है, फिर उसके बाद इंटरफेरेंस आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस में पूरा पार्ट चलेगा 7.10 निग्लेक्टेड है ना? यस सर। हां सर, रिजॉल्विंग पावर। ओके, हां रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर खाली 7.10, तो 10.1 है रिलाय कार्टेशियन है, कार्टेशियन का पूरा ही पार्ट निग्लेक्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर उसके बाद का पूरा 10 पॉइंट ही है। ठीक है, एक बार मैं ये कंफर्म कर लेता हूं जरा अगले लेक्चर तक, ठीक है? ओके सर। ओके, तब तक आप लोग एक काम करो, ये वाला जो पॉइंट मैंने दिया है ना रिफ्लेक्शन वाला, एटलीस्ट उसको अच्छी तरीके से कवर अप कर लो, क्योंकि गाइस काफी सारे पॉइंट इसमें से निग्लेक्टेड हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। ओके गाइस, देन वी विल स्टॉप हियर टुडे, क्योंकि एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, रिफ्रैक्टिंग वाला निग्लेक्टेड है ये तो कंफर्म है, लेकिन उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें निग्लेक्ट हो जा रही हैं, जिससे थोड़ा सा कंफर्म कर लूं मैं, फिर उसके बाद आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? हाँ, उसके पहले जरा पोलराइजेशन का कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जैक्टली पोलराइजेशन होता क्या है। ओके, पोलराइजेशन का मतलब होता है गाइस रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक सोर्स है, एक लेजर लाइट का क्या है, सोर्स है, ठीक है, जिससे लेजर लाइट निकलती है। अब यहां पर हम लोग दो ब्लॉक्स ले लेंगे, दो ब्लॉक्स के बीच में गैप है, यहां पर क्या है, दो ब्लॉक्स के बीच में गैप है, ठीक है, इस तरीके से गैप है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। गाइस थोड़ा फटाफट चलते हैं, देखो पोलराइजेशन है, तो पोलराइजेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड दी ट्रांसवर्स वेव। तो यहां से जब लेजर लाइट निकलेगी तो दोनों ब्लॉक्स में गैप है, तो हमारी जो रेज है वो दोनों गैप से इजिली निकल जाएंगी, इजिली निकल के ऑब्जर्वर तक कोई ना कोई इंटेंसिटी पहुंचती है। यस और नो? यस सर। अब जरा लाइट को हम लोग साइड में रख लेते हैं, अगर मैं एक रोप ले लूं और रोप में मैंने एक पर्सन को पॉइंट ए पे रखा है, एक पर्सन को बी पे रखा हूं, ओके, और यहां पर वापस दोनों जो ब्लॉक्स हैं इनको पैरेलल ही रखा है। अब जैसे ही देखो थ्रेड है, थ्रेड इस तरीके से पास हो जाएगा दोनों गैप से। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर मैं जैसे ही पॉइंट ए पे खड़ा हुआ पर्सन इसको डिस्टर्ब करेगा, तो इससे जो वेव निकलेगा वो इन गैप के थ्रू ट्रैवल करके ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा, कोई ना कोई इंटेंसिटी पहुंच जाती है। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा पॉइंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? सर, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना सर फिर वेव? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। हाँ ये एक्सपेरिमेंट ना, मैं कभी आप लोगों को ऑफलाइन में आऊंगा ना, तो ये एक्सपेरिमेंट लाइव करके दिखाऊंगा। हाँ, पोलराइजेशन अभी हम लोग स्किप करके रखते हैं, हालांकि निग्लेक्टेड ही है, लेकिन कभी मैं आऊंगा ना आप लोगों को, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो शायद आप लोग सही तरीके से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो कभी आऊंगा ना, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये, आप लोगों को ऑफलाइन लेक्चर में रिविजन टाइम पे मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सीईटी के लिए ही मुझे ये बताना है आप लोगों को, ठीक है? तो एक बार मैं जब लाइव क्लास में आऊंगा तभी बता दूंगा इसको, अभी फिलहाल इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। गाइस बहुत सिंपल सा है ये पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट, यूज किया जाता है लाइट को प्रूफ करने के लिए कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर में ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट एक रोप को लेकर किया गया, और रोप में हमें पता चला कि जो रोप है उसके कुछ मैनर्स हैं, अगर जो ब्लॉक्स हैं, जो पोलराइडर है, अगर इनको पैरेलल रखें तो ऑब्जर्वर तक इंटेंसिटी पहुंचती है, और परपेंडिकुलर रख देते हैं तो इंटेंसिटी नहीं पहुंचती है। समझ रहे हो? सेम फॉर्मेट में अगर हम लोग लाइट को भी रखते हैं तो लाइट भी सेम उसी की तरह बिहेव करता है, रोप की तरह, जिसकी वजह से ये फॉर्मेट इस तरीके से वर्क कर रहा था।
एक बार मैं लाइव क्लास में आऊंगा ना तो पोलराइजेशन के बारे में जरूर बताऊंगा. मोहम्मद पोलराइजेशन लिख के जरूर रखना है. मैं जब आऊंगा तो एक बार आप लोग पूछना जरूर मेरे से कि सर ये एक्सपेरिमेंट आप बताने वाले थे. ओके सर. ओके सर. ये प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकल उस टाइम पे अगर मैं बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा. यस सर. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस गाइस. वैसे तो चैप्टर में काफी कुछ निग्लेक्टेड है तो थोड़ा अच्छा है, जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर से डायरेक्ट हम लोग इंटरफेरेंस ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है? ओके सर. ओके सर. ओके गाइस, बाय बाय. थैंक यू सर. बाय ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू ऑल. लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्या सर? 10-15 मिनट्स के बाद से हो रहा था, अभी भी हो रहा है. ओके ओके मैम, स्टॉप द लेक्चर नाउ. आप लोग जा सकते हो गाइस.